होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में जवानों ने रैतिक परेड का आयोजन किया। कमांडेंट जनरल केवल खुराना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन की झांकी भी शामिल हुई। वहीं होमगार्ड जवानों ने कई तरह के कर्तव्य भी दिखाए। बता दें होमगार्ड मुख्यालय नानूरखेड़ा में हर वर्ष 6 दिसंबर को परेड का आयोजन किया जाता है। सीएम धामी ने इस मौके पर कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 10 जनपद उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक एक महिला प्लाटून पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही होमगार्ड स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रति दिवस भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ होमगार्ड दिवस के अवसर पर होमगार्ड स्वयंसेवक के मानसिक और भावनात्मक श्रम समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की अनोखी शुरुआत की गई है। ये एप्लीकेशन स्कूल ऑफ लाइफ नामक संस्था के सहयोग से लॉन्च की गई। इसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग संसाधन जैसे मनोवैज्ञानिक सेवाएं, व्यक्तिगत काउंसलिंग और आत्म सहायता के लिए कई वीडियो संसाधन घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। जब ऐसी परेड में भाग लेते थे या देखते थे उन बचपन के दिनों की, और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते अपने पूज्य पिताजी के साथ भी अक्सर मैं ऐसी परेड में देखने जाया करता था, उन बचपन दिनों की याद यहाँ पर ताजा हुई। आज की इस परेड में जवानों द्वारा जो आज मुझे अभी केवल खुराना जी ने बताया कि पहली बार ये मोटरसाइकिल का, मोटर बाइक पर जो साहस, कौशल एवं संतुलन का प्रदर्शन किया वह अत्यंत ही मंत्रमुग्ध था।